टाइप्स ऑफ सेल, राइट। तो शेप्स और साइजेस तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमें देखना है टाइप्स ऑफ सेल। सो टाइप्स ऑफ सेल में हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर इज यूकैरियोटिक सेल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वी आर कंसीडरिंग बैक्टीरिया, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है बैक्टीरियल सेल का। सो इसकी रचना कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरियल सेल का, हमें पता है बहुत सारे बैक्टीरिया है जो गुड बैक्टीरिया है बोलते हैं हम उसे, बहुत सारे बैक्टीरिया है जो बैड बैक्टीरिया है जिससे हमें डिसीज होता है, राइट, जिसकी पैथोजेनिसिटी होती है। बहुत से बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल होते हैं, बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, राइट। सो ये बेसिक है, और ये बेसिक हम अगर बहुत डीपली सीखने जाते हैं तो हमें एक ब्रांच मिलती है बैक्टीरिया जिसमें अच्छी तरह से सिखाया जाता है, दैट इज अ ब्रांच कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी, राइट। सो इसमें आप MBBS करके MD माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हैं सामने, या फिर MSc जाके माइक्रोबायोलॉजी करके लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स करके अच्छी सी जॉब भी पा सकते हैं। सो इन दिस वे ये जो टॉपिक है बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट अस स्टार्ट। सो बैक्टीरिया जो है वी ऑलरेडी नो दैट इट इज प्रिमिटिव सेल। जब ये अर्थ बनी, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो जो सबसे पहला सेल असेंबल हुआ था दैट वॉज बैक्टीरियल सेल, सिंपल सेल था जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, ना ही न्यूक्लियस है, राइट। तो ये किस प्रकार का होता है, और ये एक सेल था, यूनिसेल्यूलर बॉडी है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम इसे। सो ये जो बैक्टीरिया है तो ये एक ही सेल को सब काम करने पड़ते हैं, इसे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भी वही सेल है, उसे रेस्पिरेशन करना है तो भी वही सेल है, हर एक प्रोसेस एक ही सेल में होती है। और ये प्रिमिटिव सेल है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो नहीं है, फिर भी ये कैसे जिंदा रह पाते हैं तो हम अभी देखेंगे, राइट। सो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहली जो लेयर है, दैट दिस ब्लैक लेयर, हम इसे कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये किसकी बनी होती है, तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स की बनी होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत जगह पे इनवेजिनेशन होते हैं अंदर की साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पे। दिस इनवेजिनेशन आर कॉल्ड एज मीजोसोम्स। ये जो मीजोसोम्स होते हैं दीज आर वेरी यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन फंक्शन। बैक्टीरियल सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो रेस्पिरेशन कैसा हो, रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल टू डिराइव एनर्जी। So, इसमें रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है, तो ये जो मेसोजोम होते हैं ये मेसोजोम इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन में, राइट। देन दूसरा फंक्शन क्या है मेसोजोम का, दूसरा फंक्शन है सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेसोजोम जो होता है वहां से क्लीवेज निकलती है, और वही से सेल जो है वो यही से क्लीवेज होगी, या फिर यही से होगी, या फिर यहाँ पे एक मेसोजोम होगा फॉर एग्जाम्पल, तो यही से ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद में ये सीधा जाएगा and it will reach up to the next stage, और यहां से दूसरे सेपरेट हो जाएगा। इस प्रकार ये जो मेसोजोम है ये डिवीजन में भी फंक्शन करता है, राइट। फिर अगर हम सेल के अंदर आ जाए थोड़ा सा, तो हमें पता है देयर इज अ साइटोप्लाज्म इनसाइड सेल, राइट। अब ये साइटोप्लाज्म जो है इसमें क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो सेल है मैं फिर से बता देता हूं आपको कि ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो बहुत सा फंक्शंस जो है दैट आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। देन बैक्टीरियल सेल जो है अगर ये रेस्टिंग स्टेज में है तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा इट इज सेंट्रली लोकेटेड, पर अगर ये सेल डिवाइडिंग सेल है तो इसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए जो है इट इज गेट बाउंडेड विद द मेसोजोम्स। अब मेसोजोम के साथ जब ये डीएनए बाउंड होता है तो क्या होता है, अलॉन्ग विद मेसोजोम ये डीएनए की कॉपी बनती है, एक कॉपी एक सेल में, एक कॉपी दूसरे सेल में चली जाती है। सो दिस इज अबाउट द इनर साइड ऑफ द सेल, राइट। उसके बाद में ये जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज ऑल्सो डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो इसे सिर्फ क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड, राइट। इसके बाद हम देखा जाए तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट सर्कुलर डीएनए हम बोल सकते हैं इसे, ये शॉर्ट सर्कुलर डीएनए आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हर सेल में होता है ऐसा नहीं,
जिस सेल में प्लाज्मिड होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन, और जिस सेल में प्लाज्मिड नहीं होता उसे कहते हैं निगेटिव स्ट्रेन, राइट। अब प्लाज्मिड के तीन अलग अलग फंक्शंस है, क्या फंक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मिड पे तीन अलग अलग टाइप के जीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड बेसिकली डीएनए ही होता है बट शॉर्ट होता है, छोटा होता है। सो पहला जीन है एफ जीन, जिसे हम कहते हैं फर्टिलिटी जीन। फर्टिलिटी जीन क्या होता है, तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिक्स पिलाय। हम पिलाय, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये जो अपेंडिजेस आप हमें दिख रहे हैं, ये जो फ्लैजेलर स्ट्रक्चर इसलिए दिख रहे हैं, इसे हम कहेंगे पिलाय। अब ये जो पिलाय होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिक्स पिलाय। सिक्स पिलाय यानी क्या, When there is conjugation, conjugation means एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ दिस पिला। ये पिला दूसरे बैक्टीरिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया ट्रांसफर होगा, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये करने के लिए इट रिक्वायर एफ जीन, फर्टिलिटी जीन। देन देयर इज अनदर जीन कॉल्ड एज आर जीन। RG is for antibiotic resistance gene। अब जैसे हमें कोई इंफेक्शन होता है हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं एंटीबायोटिक्स। अब जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो बैक्टीरिया को भी तो जिंदा रहना है, तो ये क्या करता है, उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये बच सके, बैक्टीरियल सेल खुद को प्रोटेक्ट कर सके। सो दैट जीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मिड, जिसे हम कहते हैं आर जीन या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। And the next is coal gene. Coal gene means there are certain chemical substances which are produced by E. coli bacteria, जिसे हम कहते हैं colicins. So ये colicins जो होते हैं, ये क्या करते हैं, E. coli bacteria produce करता है against different bacteria, दूसरे bacteria के against. So वो colicins से बचने के लिए दूसरे bacteria क्या करते हैं, specific chemical बनाते हैं with the help of coal gene. So this is about the plasmid. फिर plasmid के बाद inner side में क्या होता है, तो ribosomes होते हैं inside the bacterial cell. Ribosomes we already know, ribosomes are protein factories. ये protein बनाने के काम आते हैं। Prokaryotic cell जो होते हैं, bacterial cell जो होते हैं, उसमें होता है 70S ribosome. Now what is 70S and 80S? 70S means S stands for Swedberg unit, या फिर हम इसे कह सकते हैं sedimentation coefficient, right? तो छोटा सा सेल है, छोटा सेल है तो उसे इतना फंक्शन भी नहीं करना पड़ता है राइबोसोम को। सो छोटा राइबोसोम 70S sedimentation coefficient का राइबोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टेरियल सेल में, while that of 80S is present in eukaryotic cell, right? So this is about the internal structure of bacterial cell. अब हम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा बाहर देखें, सो हियर यू कैन सी, हियर इज अ वन लेयर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन बैक्टीरियल सेल, दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। नाउ दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेयर विच इज मेड अप ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ NaMNG, NaM फॉर N एसिटिल ग्लूटामिक एसिड एंड NaG फॉर N एसिटिल ग्लूकोसामिन, इनका क्रॉस लिंकिंग से भरा होता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, जो जिसे हम कहते हैं सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। अबाउ द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर देयर इज अनादर वन लेयर, जो कि कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं भी होता, जिसे हम कहते हैं कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। दिस इज बेसिकली अ लिपोप्रोटीन लेयर। दिस लेयर इज हेल्पफुल फॉर पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कैप्सूल, और ये कैप्सूल प्रोटेक्टिव भी होती है बहुत से बैक्टीरिया के लिए। सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर अपेंडिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सो दीज आर बेसिकली सिक्स पिलाय का तो हमने डिस्कशन कर लिया है। देन देयर इज अ फिम्ब्री, these fimbri are small appendages, small structure present all over the bacterial cell which help for adhesion. अगर bacteria को कहीं stick up होना है तो ये adhesion का काम ये करेंगे, जिसे हम कहते हैं fimbri, right? And there is one more elongated long structure that is called as a flagella. This is present in some bacteria while absent in some bacteria.
जिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं मोटाइल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन स्विम इन इट्स मीडिया एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। ये फ्लैजेला प्रोटॉन मोटिव फोर्सेस से क्या होता है, मूव होता है, मूव होने के सर्कुलरली ये गोल घूमता है, गोल घूमने की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होता है। ड्यू टू द टर्बुलेंस बैक्टीरिया कैन स्विम इन इट्स मीडिया लिक्विड मीडियम। सो दिस इज अबाउट द फ्लैजेला। सो और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये बैक्टीरिया से था दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेनिंग, जिसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग, नाउ व्हाट इज दिस ग्राम स्टेनिंग? दिस इज अ स्पेसिफिक टेक्निक डेवलप्ड बाय सर क्रिश्चियन ग्राम टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल सेल वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल और वेदर इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल, जिससे कि कैरेक्टराइजेशन हो सके बैक्टीरिया का, राइट? तो बेसिकली जो बैक्टीरियल सेल ग्राम स्टेन लेता है, स्टेन होता है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में, उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो ये ग्राम स्टेन नहीं लेता है उसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो दिस इज अबाउट द बैक्टीरियल सेल दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विच इज अ टाइप ऑफ सेल। थैंक यू।